सब लोगों को प्रणाम नमस्कार। आज एक बहुत महत्वपूर्ण कार्यक्रम के लिए हम सब इकट्ठा हुए हैं। हमारे बीच हमारे राज्य शिक्षा मंत्री डॉक्टर सुभाष सरकार जी हमारे बीच में हैं। शिक्षा नीति और शिक्षा में कैसे परिवर्तन होना चाहिए इसके बारे में बाद में हमको जानकारी भी देंगे और आज एक मुख्य अतिथि के रूप में हमको वो आज प्राप्त हुए हैं। और बहुत ही हम हमेशा अंग्रेजी का प्रयोग करते हैं तो डायनामिक ऐसे एक व्यक्ति है जो हमारे बीच में है, मुकुल कानिटकर जी। और उनके वेबिनार्स सेमिनार्स वो सब हम ऑनलाइन मोड में काफ़ी सुन चुके हैं। अखिल भारतीय संगठन मंत्री वो भारतीय शिक्षण मंडल के हैं। डॉक्टर हमारे बीच में गीता सिंह जी है, प्रोफेसर है। और ये यूजीसी का जो कार्यक्रम है फैकल्टी डेवलपमेंट प्रोग्राम उसके लिए आज वो हमारे बीच में उसके साथ दे रहे हैं। माला कपाड़िया जी ने अभी अभी अपना वक्तव्य दिया बहुत ही सुंदर रूप में। प्रोफेसर तिवारी जी आईआईटी खड़गपुर के संचालक और जिन्होंने सबसे पहले भारतीय ज्ञान परंपरा का कक्ष अपने संस्था में स्थापन किया, इसलिए उनको भी धन्यवाद अर्पण करता हूं। और प्रोफेसर महापात्रा जी और विनय चंद्र जी थे, अब थोड़े सामने आ गए हैं। चमो कृष्ण शास्त्री जी हमारे बीच में हैं, डॉक्टर कपूर जी हैं और हमारे साथ जुड़े हुए इंडियन नॉलेज सिस्टम के सारे प्रतिनिधि आज यहाँ मौजूद जो है उन सब लोगों का और एक बार अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद के ओर से मैं अभिवादन करता हूँ। क्योंकि कल 14 नवंबर को हम बाल दिन कहते हैं। हम सब लोग जब भारतीय परंपरा को अपनाएंगे तो अपने जीवन में बाल्य अवस्था में ही आनंदमय रहेंगे ऐसा लगता है। आज 15 नवंबर भी हम सब लोगों को यादगार रहेगा क्योंकि जो अभी अभी माला कपाड़िया जी ने कहा कि हमारी शिक्षा नीति, हम सब जानते हैं कि मैकॉलेलियन सिस्टम के वजह से हमको विस्मृति हो गई है। करीब करीब 200-300 साल हमने हमारी शिक्षा नीति हमारे बारे में ही सोचना बंद कर दिया। और कई बार ऐसा होता है कि हम जो घर में त्यौहार करते हैं, कोई एक्टिविटी करते हैं तो हमारे बच्चे पोते वगैरह पूछते हैं ये क्यों कर रहे, इसका क्या अर्थ है। और कई बार हमको ही उसके बारे में पता नहीं, ऐसी विस्मृति होने लगी है। और यदि ये हाल आज है तो हम अभी टर्न अराउंड नहीं करेंगे, अभी हमने हमारे बीच में बदलाव नहीं लाएंगे, शिक्षा नीति में बदलाव नहीं लाएंगे तो मेरे ख्याल से अगले पीढ़ी को ये सब चीज़ें ज्ञात नहीं रहेगी, इसलिए ये बहुत महत्वपूर्ण है। और यदि हमारे शिक्षार्थियों को ये सब समझाना है तो पहले हमारे शिक्षकों को समझाने की बहुत ज़रूरी है। और इसलिए ये 3 हफ्ते का बहुत लंबा फैकल्टी डेवलपमेंट वर्कशॉप ऑन इंडियन नॉलेज सिस्टम्स भारतीय ज्ञान परंपरा के बारे में आज AICT के ऑडिटोरियम में होने जा रहा है। और हमारे बीच इसके बाद माननीय मंत्री श्री अर्जुन राम मेघवाल जी भी पधारेंगे, उसके अलावा डॉक्टर किरण बेदी, श्री साई दीपक, इसके अलावा मेरे ख्याल से चमो कृष्ण शास्त्री जी ऑलरेडी है, ऐसे अनेक विद्वान हमारे 3 हफ्ते के इस फैकल्टी डेवलपमेंट प्रोग्राम में हमको ज्ञानार्जन करने के लिए प्रवृत्त करेंगे और ये बहुत महत्वपूर्ण है। और जब शिक्षक तैयार हो जाएगा उसके मन में भारतीय परंपरा के बारे में आदर निर्माण हो जाएगा, अभिमान निर्माण हो जाएगा, वही अभिमान वही आदर वो अपने छात्रों के बीच में भी बीज रोने में बोने में सफल रहेगा। इसलिए ये 3 हफ्ते का जो कार्यक्रम होने वाला है बहुत महत्वपूर्ण है। मैं थोड़ा पीछे जाना चाहता हूँ। 2015-16 में काफ़ी बार AICT में अनेक बार चर्चाएं हुई हमारे एग्जीक्यूटिव कमेटी में, काउंसिल में, और हमने ऐसा निर्णय किया कि जो मॉडल करिकुलम बनाना है तो उसमें भारतीय ज्ञान परंपरा एक विषय होना चाहिए। और वो मैंडेटरी नॉन क्रेडिट कोर्स हमने 2017 से ही लागू किया।
फिर जब लागू किया तो अनेक कॉलेज ने, यूनिवर्सिटीज ने उसको अपनाया जरूर, लेकिन वो कहने लगे कि ये पढ़ाने के लिए हमारे पास कोई किताबें, स्टैंडर्ड किताब नहीं है। तो ये एक बहुत बड़ी जो समस्या थी उसको हल करने के लिए हमने उसी वक्त 2018 में डॉक्टर महादेवन, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट बेंगलोर के प्रोफेसर है, वो भगवद गीता के ऊपर इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट में कोर्स लेते हैं जिसको बहुत पॉपुलर कोर्स हुआ गया है, वो भारतीय ज्ञान परंपरा का एक टेक्स्ट बुक फॉर्म में किताब करने के लिए हमने दिया और वो करीब करीब तैयार है। माननीय मंत्री जी और बाकी सभी हमारे शिक्षा गण अगले 2-3 महीने में ही वो किताब को रिलीज करने का भी एक समारोह हम करेंगे और वो किताब स्टैंडर्ड टेक्स्ट बुक के रूप में हमारे सामने पेश होगा। हमने उनको ये भी रिक्वेस्ट किया टेक्स्ट बुक फॉर्म में रिटन मटेरियल तो मिल जाएगा लेकिन हमको वीडियो लेक्चर यदि देंगे और एक स्वयं का MOOC प्लेटफॉर्म में MOOC कोर्स भी बना देंगे तो और भी अच्छा रहेगा। तो उसको भी उन्होंने माना है कि उनके साथ जुड़कर जिन्होंने जिन्होंने उसमें अपना योगदान दिया है वो सब लोग मिलकर हमको एक स्वयं में MOOC कोर्स भारतीय ज्ञान परंपरा के ऊपर देंगे। वैसे ही राष्ट्रम ने जो ये कार्य शुरू किया है कि 3 हफ्ते का फैकल्टी डेवलपमेंट प्रोग्राम, ये सारा का सारा रिकॉर्डिंग होने वाला है और इसको एडिट करके इसको भी हम अपने वेबसाइट में डालेंगे तो लोगों को जो यहाँ नहीं आ पाए और आज ऑनलाइन जो इसमें भाग नहीं ले पा रहे हैं इन सभी लोगों को भी ये देखने के बाद एक जोश निर्माण होगा कि भारत से सारा ज्ञान शुरुआत हुई। इसे कई बार होता है कि सब वेस्टर्न मीडिया से आया है, वेस्टर्न वर्ल्ड से आया है, ऐसे लगता है साइंस मीन्स वेस्टर्न साइंस ऐसा लगता है, लेकिन विज्ञान का शुरुआत जो है यहाँ से हुआ, तकनीकी का शुरुआत यहाँ से हुआ, कलाओं का जो पन्ना 64 कलाएं सब यहाँ से शुरुआत हुई। बाद में उसमें आगे कुछ डेवलपमेंट वहाँ हुआ है, ऐसा नहीं हम मानते कि सब यहाँ का ही फाइनल है, लेकिन जो शुरुआत हुई उसको ही हम भूल गए। विज्ञान हो या गणित हो, ये सब चीज़ें भारत से निकली, बाहर गई और आ गई। तो इसलिए नई शिक्षा नीति में भी इसका उल्लेख काफ़ी जगह में हुआ है कि हमारी वैल्यूज़ ऑनेस्टी इंटीग्रिटी के साथ साथ भारतीय मूल्यों को हमारे छात्रों के बीच देना चाहिए। भारतीय परंपराओं के बारे में, भारतीय ज्ञान परंपरा जो इंडियन नॉलेज सिस्टम है, ये सब चीज़ें हमारे करिकुलम में स्कूल से लेकर हाई स्कूल से लेकर कॉलेज और यूनिवर्सिटी तक आनी चाहिए, ऐसा आग्रह उसमें किया गया है और उसको करने के लिए UGC और AICT हम अभी कार्य में निश्चित उसके दिशा में आगे, पहले भी थोड़े थोड़े बढ़ रहे थे और जोश से बढ़ रहे। और इसी सिलसिले में एक मीटिंग हुई थी मंत्रालय में 18 मार्च 2020 को, यानी हमारा पैंडेमिक लॉकडाउन वगैरह शुरू होने के थोड़े ही दिन पहले, और ये ब्लेंडेड मोड में मीटिंग हुई थी। करीब करीब 100 के ऊपर जो विद्वान भारतीय ज्ञान परंपरा में काम करते थे या बहुत ही उसमें योगदान दिए हुए लोग हैं, ऐसे लोगों की एक बैठक हुई। 50 लोग करीब करीब मंत्रालय में फिजिकल मोड में थे तो बाकी 50 लोग ऑनलाइन मोड में, IIT, IISc, IIM, यूनिवर्सिटी सब लोग जुड़े हुए थे। और उस समय एक निर्णय लिया गया कि भारतीय ज्ञान परंपरा नाम का एक कोष मंत्रालय में होना चाहिए। तो उसके बाद जुलाई 2020 अपनी नई शिक्षा नीति आई, उसमें भी भारतीय ज्ञान परंपरा का जिक्र होने के वजह से एक कोष्ट मंत्रालय में बनाया गया, लेकिन उसको बिठाने के लिए, रखने के लिए या उसको संगोपन करने के दायित्व अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद को दिया गया और यहाँ हमने पोस्ट एडवर्टाइज करके हमारे बीच लोगों को उसमें अपॉइंटमेंट भी कर दिया है, अनेक वेबिनार्स हो गए हैं और हमारा एक क्लियर रोड मैप तैयार किया गया है। उसके तहत नई शिक्षा नीति को साथ साथ लेते हुए हम अगले 2-3 साल में एक बड़ा परिवर्तन करने की दिशा में जाएंगे, ऐसे कहते हुए आप सभी लोगों को फिर एक बार मैं अनुरोध करता हूँ कि हमारा एक पोर्टल बुद्धा जी ने डेवलप किया है जो इंडियन नॉलेज सिस्टम का पोर्टल है, जिसमें सारे लोग अपना अपना बायोडाटा दे सकते हैं, आपका किसमें रुचि है वो बता सकते हैं। तो हम आप सभी लोगों को जोड़ते हुए जो 18 मार्च 20 को 100 लोग जुड़े हुए थे तो आज हमारे साथ 1000 लोग जुड़े हुए हैं।
और हम चाहते हैं कि वो 10,000 कब होगा, 1 लाख कब होगा, इसका हम इंतजार कर रहे हैं। आप सब हमारे साथ रहिए, आप इसको प्रचार प्रसार कीजिए। ऐसे कहते हुए मेरे 4 शब्द समाप्त करता हूँ। नमस्कार।